हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आप लोगों को एक और नए ब्लॉग पे। सुबह से लेकर ब्लॉग बना नहीं पा रही थी, थोड़ा सा बिजी थी, तो अभी जो है मैं पूरा सारे कामों को जो है निपटा लिया है। बारिश हल्की हल्की दे रही है, अभी थोड़ा इसे एक दो बूंद गिर रहे हैं। मैंने जो है अभी अभी नहा लिया है, लम्बू ने पानी वगैरह उठा दिया था। हम लोग का हैंडपम्प ना बहुत ही ख़राब हो चुका है, तो उसके कारण तकलीफ हो रहा है थोड़ा सा। पता नहीं मोटर जो है 4-5 दिन में आ जाएगा बोला था, तो अभी हो चुका है 3 दिन ऐसा, तो आ जाएगा। अभी मैंने जो है बेबी का जितना भी बाटिंग टावल था यहाँ पे वॉश करने के बाद रख दिया है। अभी इसको जो है मुझे हवा के वहाँ पे सुखाना पड़ेगा बाहर बेलकोनी पर। पहले तो दीदी वॉश करती थी, कितना धोएगी ना, तो बेचारे उसको भी बहुत तकलीफ होती है। ये देखो पूरा बुतनी जैसी हो चुकी है, हालत ख़राब हो चुका है। तो आज मेरा तबीयत थोड़ा ठीक लग रही थी, उसके कारण जो है मैंने सारे कपड़े को जो है वॉश कर दिया है। नहीं तो कोई कोई बोलेगा सिर्फ दीदी को नौकर बना के रखा है बोलेगा। थोड़ा सा अगर मेरा तबीयत ठीक होने से मैं भी हेल्प करती हूँ और लम्बू भी हेल्प कर देता है। सारे कामों को जो है हर टाइम तो वीडियो पे दिखा नहीं सकते हैं ना, तो इसलिए बहुत ही गाली सुनना पड़ता है। क्या करें, जिंदगी आजकल ऐसे ही चल रही है, गाली तो सुनना पड़ेगा। और मैंने जो है बेबी को पूरा साफ सफाई करने के बाद जो है उसको क्लीन अच्छे से किया, वहाँ पे रख दिया अपने बिस्तर पर। देखो छोटे छोटे मच्छर निकले हुए हैं, तो उसको जो है मच्छरदानी का अंदर पे रख दिया, दो मच्छरदानी। देखो ना लम्बू पूरा उसको चौकीदारी सिक्योरिटी गार्ड बन चुका है। तो अभी जितने भी बाटिंग टावल वॉश किया था उसको जो है बाहर बेलकोनी पे वो लगा दूंगी, क्लिप लेके जाती हूँ। अभी सारे कपड़े वगैरह को जो है यहाँ पे दे दिया है लाइन करके सूखने के लिए, तो बारिश के वजह से तो सूख नहीं पा रहे, बस हवा के वजह से थोड़ा थोड़ा सूखता है। और लाइट भी है, थोड़ा सा सूखने के बाद जो है फ्रेश मार के रख दूंगी। आओ, सुबह तो जेरी ने बना लिया जितना बनाना था। मैं सो रही थी सुबह में, थोड़ा सा नहीं पी लिया, उसके बाद उठ के पानी वानी उठा के नहा लिया, नहा के थोड़ा सा फ्रेश हुआ। ज़्यादा तो मेकअप नहीं किया है, इतना सुंदर तो नहीं लग रही होंगी तो, लेकिन मैं अपने हिसाब से कर लिया जितना करना था। लिपस्टिक लगा लिया, उसके बाद मैं क्रीम लगा लिया। अभी मैं जा रही हूँ सुपरमार्केट की ओर, मेरे बहुत सारे कपड़े जो है ऑल्ट्रेशन करना है, ये नहीं कि छोटा नहीं बड़ा करना है उसको, क्योंकि थोड़ा सा हेल्दी हो गई है ना, इसीलिए तो बहुत ही टाइट होती है गर्मी में, चिपकू चिपकू बहुत ही तकलीफ लगता है, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करने जाऊंगी। ये देखिए जेरी यहाँ पे, इसको भी चाने मान हो रही है, बोलते हैं ना रहेंगे ना ऐसे खेती करके, बहुत महीना हो गया है, जब बड़ा हो जाएगा तब घूमने जाऊंगी मैं भी। हाँ वो मेरा पेन भी लेके जाओ ना, जो टाइगर वाला है दे दीजिए। जब से हमारे बेबी आए हैं ना, यानी कि जब उसका 9 महीना हो गया था, तब से हम लोग बहुत ही कम हो गया घूमना, जेरी का तो बिल्कुल ही बंद हो गया था। तो जैसे कि 10 महीना हो गया हम लोग रुक रहे बेबी आने का, तो इधर उधर कम घूम रहे। तो आज मैं कह रही हूँ कि जेरी को हम लोग इधर उधर घूमने वाले हैं, घर में तो बैठते नहीं है, ऐसे ऐसा लग रहा है जैसे कि जंगली आदमी जैसा बन गया हम लोग घर में बैठे बैठे। आज मैं जाऊँगी टाउन पे घूमने, ये वाला बहुत ही सुंदर लगता है हमको, ये वाला पेंट देखिए, लेंथ कितना, दो उंगली काटने से हो जाएगा ना। अच्छा अच्छा ठीक है, हुआ आपका हिसाब से। दोस्तों मैं पहुंच चुकी हूँ सकीना की दुकान पे, बहुत ही लकी हूँ, मुझे लगा था कि वो लोग घर चले गए होंगे, लेकिन वो लोग है यहाँ पे। ये देखिए दोनों का दोनों काम जारी है, ये दोनों का बहुत ही मेहनती है, इंतजार हो रही है मेरी। अच्छा ड्रेस बना के रखी, मैं तो उस ड्रेस को ईद में पहनने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। वैसे ईद कब है? अभी तो 17 को है क्या, लेकिन 17-18 बहुत अलग अलग दिन में सब करते हैं ना। अच्छा अच्छा, तो किस भी मैं अभी पूरा पता नहीं। अच्छा, मैं उस ड्रेस को आप लोग जरूर से वेट करना कि उस ड्रेस को मैं ईद में पहन कर आऊँगी, तब देख पाओगे आप लोग। अब देखो यहाँ पे मैं लाई हूँ, इसमें ब्लाउज है, उसके बाद पैंट है, मम्मी का भी है, ज़्यादातर तो मेरा है। ये देखिए दोस्तों, मैं आई थी सकीना के यहाँ काम लगाने, लेकिन उसने तो उल्टा ही मुझे काम लगा दिया। ये देखो ये वाला इलास्टिक निकालने के लिए, ये मेरा ही पेंट है, थोड़ा ढीला हो गया, इसको टाइट करना है, ये इलास्टिक बिल्कुल ही नया इलास्टिक लगेगा इसमें। हाँ कोई कोई बात नहीं,
जब तक मैं हूँ जिंदाबाद। मैं खोल देती हूँ, आप इधर सिलाते रहिए। ये मेरी ब्लाउज है, ब्लाउज को सिला रही है। ये मैंने मीशो से लिया है ऑनलाइन में, बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे भी है मेरा एक जो दीदी ने भेजा था मध्य प्रदेश से, वो साड़ी का ब्लाउज, ये देखिए बहुत ही सुंदर है। ये भी थोड़ा टाइट हो गया, इसको भी लूज़ करना है। जेरी का भी है और वो बाकी सारे मेरा। और यहाँ काम करते करते देखिए कौन आए हैं, ये हमारे एजी। इतना काम करते नहीं, वक्त है ना अभी, बोल देना ना। एक तो अभी हुए, अभी दूसरा वाला के लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा। थोड़ा समय लगेगा, होगा लेकिन थोड़ा सरप्राइज देंगे एकदम। ये देखिए दोस्तों, मेरा पहले ये वाला देखो फ्रॉक था, ये देखिए ये स्लीव सब था। अब इसको मैंने आइडिया लगा के स्कर्ट, इतना सुंदर सा स्कर्ट बना दिया, इतना अच्छा ना अभी मजा। अभी गर्मी के लिए बहुत ही अच्छा होगा घर में पहनने के लिए। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे मार्केट में ऑलरेडी ऐसे ही बना के रखा हुआ है रेडीमेड। आइडिया किसका है, आइडिया तो मेरा ही है। मेरा इन सब चीजों में ना बहुत ही आइडिया है, जैसे कि हेयर स्टाइल बनाओ, मेकअप करो, कपड़े का डिजाइन बनाओ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे भी है, और भी करना है इसको भी, ये कीजिए अभी। और फाइनली हो चुका है मेरा कपड़ा, अल्ट्रेशन करना था, सब हो गया। लेकिन एक चीज देखो, ये नहीं हुआ, ये मशीन में पकड़ता ही नहीं है, ये सिलाई नहीं पकड़ रहा इसका, ये सब कुछ हो गया। अब मैडम से हिसाब जोड़ रही है कितना हुआ, इसको तो अभी नहीं बनाएंगे क्योंकि इसका हाँ साइड में जो जीप है इसको टाइम लगता है ना, इसको खोल लेना अच्छे से करना पड़ता है। तो अभी कपड़ा पूरा सिला के सब कुछ हो चुका है, मुझे लग रही है बहुत तेज भूख, क्योंकि मैं अपने घर आई हूँ तो बनता है ना खाना खा के जाना है कि नहीं। तो यहाँ पे सकीना और मैं जा रहे हैं अभी उनके घर, कुछ खा के आते हैं। सच में मुझे बहुत भूख लग रही है। तो देखते हैं क्या है, जो है उसी से खा लेंगे अभी। उसके बाद मुझे ना, मुझे हेयर थोड़ा सा कट करनी है, ये ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा दो उंगली जैसा कट करूँगी मैं अपने हेयर को, क्योंकि दो मुँह बाल बहुत ज़्यादा हो गया, तो यहीं से कट करके जाऊँगी। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं सकीना के घर, आते ही मुझे एक स्पेशल चीज़ मिला है, वो आम से बना हुआ था कि आंटी ने बनाई थी, ये वाली है, बहुत ही मजा है। इसको क्या बोलते हैं, खटमीठी बोलते हैं, खट्टा मीठी। अच्छा खटमीठी, खट्टा मीठा होता है ना। अच्छा खट्टा मीठा, ये आम से बना हुआ है, बहुत ही अच्छा। थोड़ा सा मीठा, थोड़ा सा खट्टा, मजा आ गया। बनाते कैसे है ये तो नहीं पता, लेकिन खाने में बहुत ही मजा आ रहा है। थोड़ा सा डाला है, तो पूरा रेसिपी नहीं डाला, थोड़ा सा डाला, थोड़ा सा डाला, बहुत ही मजा लग रहा। और मुझे ये भी टेस्ट करना है, मसाले वाले जो क्या बोलते हैं इसको, अरबी के पत्ते ना, कच्चू का पत्ता। और ये तो मेरा फेवरेट है ही, कच्चा कच्चा, इसको अगर कच्चा खाओगे चेहरे पे ग्लो आता है। कच्चा तो मतलब खाने से अच्छे भी नहीं लगते, आप बनाने से अच्छा लगता है, मेरे हाथों का अच्छा लगता है। क्या क्या डाला है इसमें, लौंग भी तो डाला है। अच्छा अच्छा हाँ, ये सूखा वाला प्रॉन जो ना, छोटा छोटा झींगा, इतना टेस्टी लग रहा है ये कोचू का। देखो सबका अलग अलग रेसिपी होता है, हम लोग का अलग रेसिपी होता है बॉयल टाइप में जो हम लोग बेम्बू में बनाते हैं, ये लोग मसालेदार बनाए हैं, इतना टेस्टी है। बहुत ही मजा लग रहा। खाना वाना खा के सकीना तो हरबरी में दुकान आने मिला है, ऐसे ही होता है जब दुकान होता है ना, बिजनेस होता है, कस्टमर आ गए तो वो जल्दी जल्दी आ गए जैसे ही खाना खाने के बाद में। और मैं आंटी से बहुत देर बात की और उनके सकीना की बहन से, सॉरी दीदी, तो बहुत ही अच्छा लगा। आंटी ने मुझे एक चीज़ बोले कि जो हमारे बेबी का नाभि है, नाभि झड़ने के लिए बहुत टाइम लग रहा है, अभी तो 6 दिन हो गया, झड़ जाना चाहिए जितना बारिश होने से भी। तो उसने मुझे एक ट्रिक्स दिया है, जो सरसों के तेल होते हैं, सरसों के तेल गरम करके हमारे ये जो फिंगर होते हैं वो तेल लगा के हल्का हल्का गरम करके नाभि के चारों ओर इसे दबाने हैं, तो बोले कि जल्दी झड़ जाएगा। तो बहुत ही अच्छा लगा आंटी से बात किया, तो मुझे ये टिप्स भी मिल गया, तो मैं शाम को जाके यही काम करती हूँ, दिन में 3 बार लगाने के लिए बोले हैं। अभी हो रही है मेरी हेयर कट, यहाँ देखिए भैया के पास से रुकम भी हमेशा यही आता है, उसको पकड़ना ऐसे,
हाँ हाँ बस सीधा ही काटना है भैया हमको बस। हाँ सीधा ही चाहिए, मेरा पूरा दो मुंह बाल हो गया ना, फुल डैमेज हो गया। दो या तीन उंगली से काट दीजिएगा ना भैया मिला के। हो गया मेरा अपना हेयर काट करके। इतना ही ठीक है, ठीक तो वैसे लड़के लोगों को लंबे बालों में अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरा हेयर ग्रो ही नहीं हो रहा है। सकीना मैडम थैंक यू सो मच खाना खिलाने के लिए और मेरे कपड़े सारे। अब मैं चलती हूँ, ओके बाय बाय। दोस्तों मैं घर जा रही हूँ अभी, घर जाते जाते मुझे जो है एक दुकान से 10 रुपया मिला था, मुझे अभी याद है। तो उन 10 रुपयों से मैं यहाँ से चटपटा कुछ ले रही हूँ, यहाँ पे चना चाट। साथ में हमारे प्यारी सी भांजी भी आई है, ये आज हमारे घर में रुकेगी और इसी को खा के हम लोग घर लेके जाएंगे, यहाँ नहीं खाएंगे, घर में खा के मजे लेंगे। दीदी भी घर आ चुकी है और मेरा पैन जो है हो गया ना लेंथ, जो अभी बढ़िया तरीके से पहन पाऊंगी, बहुत ही लंबा होता है ये पैन जो है, मेरा फेवरेट है, दीदी का भी फेवरेट है। दोनों का चॉइस जो है हम दोनों का सेम टू सेम होता है। और इसका ब्लाउज देखो क्या मोटी हो गई क्या। और ये वाला इसका बना दिया, देखेगा देखो ना, वाह बढ़िया हुआ है तो। इतना अच्छा हुआ है, ये पहले में फ्रॉक था ना, दिमाग लगाती हूँ। अच्छा है प्योर कॉटन का, क्योंकि अभी फ्रॉक लगाने से भी ना वो अच्छा नहीं लगता है ना ज्यादा, वो छोटा है। ये इसका बहुत अच्छा दिख रहा है अभी पहाड़ पर। मम्मी को देखो थोड़ा सा टाइट हो गया हाथ, जो फिर से कटिंग करना पड़ेगा। ये जो मार्केट से खरीदा था वही क्या, प्योर कॉटन का है ना, तो वॉश करने से बहुत वो कबल, हाँ छोटा होता है कपड़ा जो। और क्या हो गया ये पेन, ये इसको भी कटिंग किया है, ठीक है ये घर में पहनने के लिए में। अच्छा है तो प्लाजो टाइप का देखो ना, 150 रुपये में खरीदा है। मैं बोल रही थी ऑनलाइन पे, मैं ऐसा सेम टू सेम शॉर्ट कुर्ती ढूंढ रही थी, तो वो 300 का ऊपर में लगभग 400 ऐसा उसका प्राइस था। तो मुझे जो है सफेद वाला कपड़ा बहुत अच्छा दिखता है, तो ये बोल रही है कि 150 में खरीदा है, 200 में लेगा क्या। तो हम इसमें क्या गलत क्या पता, कमेंट करके जरूर बताना। हम लिया 150 में, तो हम बेच रहे हैं इसको 200 में, तो क्या गलत है, इतना सुंदर इतना है चला गया ना। और ये ऑनलाइन में 300 के ऊपर देख रहे हैं, 200 में क्या कमी है। अच्छा है तो कपड़ा बहुत, ये वाला बहुत डीप है, इसको मैंने बनाया शायद, मैं ऑल्ट्रेशन किया, ये सकीना ने इतने सुंदर से सिला दिया। आई ये क्या हो गया, फट गया। अच्छा है तो ये हम लोग का जो मेखला बोलते हैं ना, उसी के साथ पहनने से भी अच्छा दिखेगा ना, पूरा संस्कारी लगेगा। साधु माँ बन जाओ इसको लगा के, और एक तो नीचे में सफेद वाला वो मेखला लगा लो। मानवी तेरा बुकर ठीक हुआ है, देखो ना आजकल ये थोड़ा लंबी हो गई ना, इसका हाइट जो है पूरा बढ़ रही है, उसके कारण जो है थोड़ा सा साइड से पतली हो गई है, और जॉन्डिस भी था तो अभी ठीक हो चुकी है बोले। पर बाल ना, बाल किसने खाता था मानवी? हाँ एक तो वो उसका मामी, बड़ी मामी होती है, उसने खींच के लिखे गया और बाबुआ दादा ने काट दिया बोले। क्या रे अभी लंबा करके रखो, हाँ बाल को लंबा रखने से बहुत अच्छा है। इसका हेयर देखो ना इतना सिल्की है, मिक्सचर लेके आया है। अरे देखने देखने से खाने मन होता है, वो क्यों लेके आता है, हाँ आपको दिखा के खाने के स्पाइसी है, तो मैं नहीं खाऊंगी, क्योंकि अगर मैं खाऊंगी तो मेरा बच्चा जो है पुर, पुर करेगा। तुम लोग इंजॉय करो, चम्मच दो ठू हेलो। और आज डिनर में क्या स्पेशल है? स्पेशल कुछ लेके बा ये है राजमा, और इसमें मैंने चना भी भिगो के रखी हूँ। वो ट्विंस मोनपा का घर में खाई थी, इतना टेस्टी लगा। हाँ, बहुत टेस्टी लगा था ठीक मुझे। वैसे ही वो भी चना दिया था आंटी ने, तो मैंने भी दे दिया। देखो ना इतना छोटा छोटा मैंने भिगाया था, तो बराबर राजमा। अगर ये देखो ना टाउन एरिया पे बेचने से कितना इसका है, तो कम से कम 300 जैसा इनकम होता है इस राजमा से। चलो अभी इसको पका के जो है खाना खाना पड़ेगा, क्योंकि भूख लग रहा है। दोपहर को जो है कुछ भी ऐसे नहीं खाया था, चावल वगैरह भी कुछ भी नहीं खाया। वाह मानवी को देखो, यहाँ पे मानवी को देखो, ये क्या बोलता है प्लम को तोड़ने के लिए जंपिंग कर रही है। खाएगी खाएगी खाएगा चलो मैं
मुझे भी, अरे मेरा हाइट भी बहुत छोटा है ना, मेरा हाथ भी नहीं पहुंचेगा यहाँ, में पके हुए है देखो ना। यहाँ से दे देती हूँ ना मान भी, यहाँ से एक ये देखो एकदम फ्रेश फ्रेश। हाँ वॉश करके खाओ, दुला लो। हाँ और अभी शाम का वक्त हो चुका है दोस्तों, देख सकते हो नजारा पूरा बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। सनसेट का टाइम पे पूरा यहाँ पे हरियाली, और मेरा पतिदेव जो है पता नहीं बगीचे में क्या काम कर रहा है पूरा। आजकल जो है इतना काम निकल पड़ा है ना, जब हम लोग हॉस्पिटल पे थे एक हफ्ता हिस्सा था, तो एक हफ्ता का यहाँ पे पूरा काम इतना बिखरा पड़ा हुआ है ना, तो लम्बो जो है थोड़ा थोड़ा करके वो कामों को जो है कंप्लीट कर रहा है। अभी मैं यहाँ से अपना कपड़ा लेके जाती हूँ, एक्चुअली मेरा नहीं है ये, बेबी का कपड़ा है, ये शायद गिर गया होगा, इसने सुसु कर दिया था तो सूख गया। शाम का वक्त में जो है हम लोग बाहर पे कपड़ा कुछ भी रख नहीं सकते हैं बेबी का कपड़ा, क्योंकि वो लोग जो है क्या बोलेगा नींद अच्छे से ले नहीं पाता है। तो अभी ये सारे कपड़े को जो है अंदर पे लेके जाती हूँ। अभी राजमा बीन्स को पकाने के लिए जो है दीदी यहाँ पे प्याज काट के रख दिया है, और इसमें जो है लहसुन और ग्रीन चिल्ली, थोड़ा सा नमक देके इसमें पेस्ट बनाना पड़ेगा ना इसको। और यहाँ कढ़ाई को, सॉरी कढ़ाई ने कुकर को दे दिया है, थोड़ा सा तेल दे दिया। इसमें क्या मसाला देना पड़ेगा? वो वाला मिक्स वाला करेंगे, ग्राइंड करेंगे अभी। अच्छा भी होने को चला है दोस्तों, जैसे राजमा बीन्स का सब्जी रेडी हो जाएगा हम लोग जो है डिनर करेंगे, और जो डिनर करेंगे वो सब जो है दिखा नहीं पाऊंगी, वीडियो जो है बहुत ही लेट हो जाएगा, छोटा हो या लंबा हो वीडियो जो है अभी फटाफट एडिट करके अपलोडिंग पे रखूंगी, फिर पब्लिश कर दूंगी वो वीडियो जो। तो और मुझे ना इतनी तकलीफ होती है, इधर उधर मैं जा नहीं सकती हूँ, तो सिर्फ घर का अंदर पे, वो भी घर का अंदर पे चलने में भी इतना तकलीफ होता है ना। जो लेडीज जो है नया नया माँ बनी होगी उसको थोड़ा मेरा पेन का बारे में वो पता चलेगा, इतनी पेन होती है क्या ही करो। तो अभी ठीक होता जाएगा, मलम कंटिन्यूसली लगा रही हूँ और दवाई भी ले रही हूँ। अभी बस अपने बच्चे के साथ रहना पड़ेगा, जब वो जग जाएगा उसको जो है फिर से दूध पिलाना पड़ेगा, सुलाना पड़ेगा, बस यही है मेरी जिंदगी आजकल। तबीयत जब तक ठीक नहीं होता है ना तब तक जो है कंटेंट थोड़ा सेम रहेगा, क्योंकि घर का अंदर पे क्या ही दिखाएंगे ना, आप लोग भी बोरिंग हो जाते हो। तो अभी इसी के साथ ब्लॉग भी एंड कर लेते हैं, आशा करते हो आप सभी को जो है आज का ब्लॉग को अच्छा लगा होगा। जैसे पुराना ब्लॉग्स थे ऐसे बना नहीं सक रहे हो, क्योंकि बाहर जाने से थोड़ा थोड़ा ऐसे बाहर का नजारा दिखाने से अच्छा लगता है, जितना हो पाता है ऋतु दी बना लेती है, तो एक दिन गैप हो जाएगा तो बहुत तकलीफ होता है ना, और व्यूज भी बहुत डाउन होता है। तो मैं जितना हो सकता है कंटिन्यूसली ऐसे ब्लॉग डालने के लिए कोशिश कर लेते हैं। तो इसी के साथ ब्लॉग भी एंड करते हैं, बाय बाय, फिर से मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ।